30 सितंबर से पहले पूरा कर लें ये जरूरी काम। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न, आधार पैन कार्ड लिंक, डीमैट अकाउंट की KYC अपडेट करने जैसे काम पूरे करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अब 30 सितंबर तक भी ये जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो 1 अक्टूबर से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पैन आधार लिंक करा लें। केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। पहले ये डेडलाइन 30 जून थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का ये कदम राहत देने वाला है। पैन को आधार से लिंक कराना काफी आसान है, आप घर बैठे भी इसे इंटरनेट की मदद से लिंक कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में KYC करा लें। अब डीमैट अकाउंट में भी KYC अपडेट कराना जरूरी है। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने निवेशकों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में KYC डिटेल अपडेट कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। हालांकि पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी। बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो 30 सितंबर तक तुरंत करा लें। अगर आपका पुराना नंबर बंद हो गया है तो नया अपडेट करा लें, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। अगर आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो हर महीने का बिल एक निश्चित तारीख को बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसलिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।